और एक और जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है जो कि लोग नहीं समझते, लोग अपने जो कोर डोमेन होती है ना, सिर्फ उसमें ही फोकस करते हैं। बिल्कुल जो साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है वो ये है कि आपको, सो इसके तीन स्टेजेस हैं जस्ट फॉर द ऑडियंस। ये पहली तो आपकी कोर डोमेन है, उसके बाद आपका सब डोमेन है, सब डोमेन के नीचे होती है आपकी नीश। तो आपको इन तीनों स्पेसेस में काम करना चाहिए। मेरी एक्सपीरियंस ये है कि मोस्ट ऑफ टाइम अगर आप नीश के अंदर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो बाद में सब डोमेन में मिल जाती है, बट अगर आप डोमेन के ऊपर देखते रहते हैं तो डोमेन के अंदर आपकी कॉम्पिटिशन नस्बतन ज़्यादा होता है। बहुत ज्यादा होता है। तो ये कुछ लाइक इट्स लाइक अ ये देखे ना, कैनेडा वो जगह नहीं जहाँ पे लीनियर ग्रोथ होती हो, यहाँ पे जो है रोलर कोस्टर लाइफ है मोस्ट बिल्कुल ऑफ टाइम। और पर्टिकुलरली जैसे आपने कहा कि जिनकी जॉब 3 महीने के बाद 6 महीने बाद ले ऑफ हो जाते हैं, वो लोग भी EI लेके घर बैठ जाते हैं, वो जॉब ढूंढते रहते हैं। दैट इज द पॉइंट कि जब उनके पास EI है ना तो वो अपने आप को अपस्किल करें।